हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ सीसीटीवी कैमरा एंड इट्स फीचर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैमरे का रिजोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरे के बारे में जानेंगे, कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू किसे कहते हैं यानी कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, आज कैमरे के हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस के बारे में जानेंगे और उस लेंस का क्या रिजोल्यूशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी सीसीटीवी कैमरा के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे रिजोल्यूशन क्या होता है। देखिए, आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जो है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस और ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर जो पिक्सल्स का मेजरमेंट होता है बेसिकली वो रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन का और क्या काम होता है, ये कैमरे की क्लियरिटी और शार्पनेस को भी मेजर करता है। और रिजोल्यूशन को जो हम है वो मेगा पिक्सल्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसको मेगा पिक्सल से हम जाहिर करते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जिस कैमरे का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली उस कैमरे की क्लैरिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। चलिए अब हम जानते हैं अलग अलग तरह के कैमरे के बारे में कि बेसिकली मार्केट के अंदर कितने तरह के कैमरे अवेलेबल हैं। तो ये आप डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये हमारा डोम कैमरा है। डोम कैमरा भी अलग अलग शेप के अंदर आता है, अलग अलग साइज़ के अंदर आता है, इसमें मिनी डोम भी आता है, फिर अलग अलग तरह के आते हैं कैमरे। तो आज हम बेसिकली जो भी चीज़ हम बात करने वाले हैं वो हम प्रैक्टिकली चीज़ बात करने वाले हैं कि जब हम साइट के ऊपर जाते हैं तो हमें जो साइट के ऊपर प्रैक्टिकली जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये डोम कैमरे का इस्तेमाल हम इनडोर पर्पज़ के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल आउटडोर के लिए भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इनडोर के लिए बोले तो इसको इनडोर में भी इनडोर में ही यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इनडोर पर्पज़ के लिए होता है और आउटडोर में भी ज़रूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर देखिए, डोम के अंदर दो टाइप का आप देख रहे होंगे, पहला है हमारा टरेट डोम, दूसरा है हमारा वेंडल डोम। ये टरेट डोम जो है बेसिकली इसका जो शेप है ना, शेप के वजह से ये टरेट शेप का, इसके लिए इसका नाम दिया गया है टरेट डोम कैमरा। ये डोम कैमरे के अंदर जो हम अगर लेंस की बात करें तो इसमें जो लेंस आता है वो 2.8 mm लेंस आता है, 2.8 mm लेंस से शुरू होता है। उसके बाद आता है डोम कैमरे के अंदर 3.6 mm लेंस, उसके बाद हमारा 4 mm लेंस भी आता है, फिर 6 mm लेंस आता है। सेम वैसे ही वेंडल डोम के अंदर भी 2.8 mm लेंस, उसके बाद 3.6 mm, 4 mm एंड देन 6 mm लेंस आता है। दोनों का जो वर्किंग है सब कुछ सेम है। जितना क्लैरिटी ये आपको टरेट डोम देगा उतना क्लैरिटी सेम वेंडल डोम भी देता है। बट ये दोनों में क्या फ़र्क है, बेसिकली दोनों कैमरे के अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ़र्क है। जो इसके मॉडल्स हैं वो अलग अलग मॉडल्स में अवेलेबल हैं, तो कुछ ना कुछ इसका फ़र्क है। तो चलिए हम आपको फ़र्क बताते हैं। आमतौर से जो हम इस्तेमाल करते हैं वो टरेट डोम नॉर्मल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या है, ये जो इसका लेंस है इसको ईजिली क्या है, आप अप डाउन कर सकते हैं। बट ये आप वेंडल डोम देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, इसको विदाउट एलंकी के, आप बगैर एलंकी के इसका एंगल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे बात करें वेंडल डोम का इस्तेमाल हम वैसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे अगर हमें अंदेशा रहता है कि कोई एंगल को उसका चेंज कर दे, और एंगल को चेंज होने की वजह से वो क्या है, जिस जो हमें रिकॉर्डिंग चाहिए वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाए, तो उस पर्पज़ के लिए हम वेंडल डोम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लिफ्ट के अंदर आप देखेंगे, मोस्टली ज़्यादातर लिफ्ट के अंदर वेंडल डोम कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। आप बस वगैरह के अंदर देखेंगे तो बसेज वगैरह के अंदर भी आपको वेंडल डोम कैमरा को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसमें हम मेगापिक्सल्स की बात करें कि इतने मेगापिक्सल्स में ये कैमरा अवेलेबल है, तो ये जो हमारा डोम कैमरा है वो 1 मेगापिक्सल से शुरू होता है, जो सबसे बेसिक है वो 1 मेगापिक्सल्स में आता है, उसके बाद 1.3 मेगापिक्सल्स एंड देन उसके बाद 2 मेगापिक्सल्स, फिर 4 मेगापिक्सल्स में आता है। ज़्यादातर जो बेसिकली इस्तेमाल होता है हमारा डोम कैमरे के अंदर में हम इस्तेमाल करते हैं 2.8 mm लेंस का इस्तेमाल होता है एंड देन उसके बाद हमें 3.6 mm या फिर 4 mm आप कह लीजिए, क्योंकि अलग अलग कंपनी जो है वो अलग अलग लेंस, कोई कंपनी 3.6 mm लेंस बनाती है, कोई कंपनी 4 mm लेंस बनाती है। तो हमारा जो बेसिकली दो लेंस है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पहला है 2.8 mm लेंस और हमारा दूसरा जो है वो 3.6 mm लेंस। जब हमें वाइड एंगल चाहिए रहता है तो हम उस केस में 2.8 mm लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 2.8 mm लेंस जो है हमारा वो वाइड एंगल देता है, उसका एंगल होता है 105 डिग्री का एंगल देता है। अगर हम 3.6 mm लेंस की बात करें तो वो हमारा 82 से लेकर 85 डिग्री तक कवरेज करता है।
तो हमारा ये जो दो लेंस है वो काफ़ी इस्तेमाल होता है। हम लिफ्ट के अंदर जो यूज़ करते हैं वो हमारा 2.8 mm लेंस होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे काफ़ी छोटी जगह होती है और हमें वाइड एंगल चाहिए रहता है। तो इसके लिए लिफ्ट के अंदर हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि आप भी 2.8 mm लेंस यूज़ करें, तो आपको क्या है एक अच्छा वाइड रेंज मिलेगा और एक पूरा फुल कवरेज मिलेगा लिफ्ट के अंदर में। उसके बाद ये हमारा बुलेट कैमरा है। बुलेट का कैमरे का इस्तेमाल मोस्टली आउटडोर के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल इंडोर में भी किया जाता है, अवेलेबल है। बुलेट कैमरे में जो हम ज़्यादातर हमारा इस्तेमाल होता है 2.8 बहुत कम इस्तेमाल होता है। बुलेट कैमरे के अंदर हम ज़्यादातर 3.6 या फिर 4 mm का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा इस्तेमाल होता है वो 6 mm लेंस इस्तेमाल होता है। और जो हम अगर हम इसके मेगापिक्सल्स की बात करें तो हम ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं 2 मेगापिक्सल्स के लिए। अगर हमें फेस आइडेंटिफिकेशन करना होता है या फिर हमें कुछ एंट्री एरिया को कवर करना होता है, देन उस केस में हम 6 mm लेंस का इस्तेमाल करते हैं और 4 मेगापिक्सल्स का कैमरा इस्तेमाल करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेरीफोकल बुलेट कैमरा। ये क्या होता है, बेसिकली ये बुलेट में ही एक वेरीफोकल आता है। इसका काम क्या होता है, वेरीफोकल के अंदर में आपको 2.8 mm लेंस से लेके ये 12 mm लेंस तक कवर करता है। यानी कि आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसके लेंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, या फिर ये मोटराइज भी आता है तो उसके जरिए आप लेंस को इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक ही कैमरे में आपको 2.8 mm से लेके 12 mm तक का एंगल आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कैमरे की अच्छी खासियत है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको वेरीफोकल बुलेट कैमरा कम देखने को मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये कैमरा काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसलिए लिमिटेड जगहों पे हम वेरीफोकल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा PTZ कैमरा, जिसको हम पैन टिल्ट जूम कहते हैं। ये कैमरा वर्टिकली भी जूम होता है, हॉरिजेंटली भी जूम होता है, और इसको हम नॉर्मली डिजिटली भी ये जूम होता है। तो इसलिए इस कैमरे का नाम है पैन टिल्ट जूम। पैन टिल्ट जूम, ये PTZ कैमरा काफ़ी कॉस्टली होता है, ये टॉप एंड का कैमरा है, और जहाँ पे हमारे काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ये जो PTZ कैमरा है वो मेजर प्रोजेक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर PTZ कैमरे का इस्तेमाल बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है। PTZ कैमरे का यूज़ हम फैक्ट्री के अंदर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल, इन सारी जगहों पे किया करते हैं। PTZ कैमरे के अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स होने के कारण PTZ कैमरे का कॉस्ट भी काफ़ी होता है। चलिए अब हम जानते हैं फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, देखिए हमारा यहाँ पे एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, और ये जो कैमरा जो है ये इतने पोर्शन को कवर कर रहा है। ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर देखिए ये वर्टिकल एक्सिस है हमारा और ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, और ये जो कैमरा ये कोने में लगा हुआ है ये कैमरा इतने एरिया को कवर कर रहा है। तो आपने जो जहाँ पर कैमरा लगाया है वो आपका कैमरा जितने एरिया को कैप्चर करता है उस चीज़ को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, और वो उस कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। अभी इस कैमरे का फील्ड, अगर कैमरे की बात हम करें, ये जो कैमरा लगा हुआ है तो इसका जो ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ये इतना आप रेक्टेंगुलर शेप में देख पा रहे होंगे, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू है, वर्टिकल में ये इतना एरिया का कैप्चर कर रहा है, और हॉरिजेंटल में ये जो एरिया कैप्चर कर रहा है वो इतना, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू। तो बेसिकली क्या, दो तरह का फील्ड ऑफ व्यू होता है एक के अंदर, पहला हो गया वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू, दूसरा हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, आप जो कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैमरा जितने एरिया को कैप्चर कर रहा है वो उस कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। चलिए हम जानते हैं कैमरे के लेंस के बारे में कि कितने तरह के लेंस CCTV कैमरे के अंदर अवेलेबल है और ये कितने एंगल का व्यू हमें देता है। CCTV कैमरे के अंदर जो लेंस अवेलेबल है 2.8 mm लेंस से शुरू होता है। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने ये कैमरे के लेंस की लिस्ट है, ये सारे कैमरे के लिस्ट अवेलेबल है, और ये जो फील्ड ऑफ व्यू इसका जो एंगल है वो हमें इतना एंगल देता है। अगर हम बात करें 2.8 mm लेंस, उसके बाद आता है हमारा 3.6 mm लेंस, 4 mm, 6 mm, 8 mm और 12 mm तक मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होता है। CCTV के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2.8 mm जो एंगल का जो लेंस होता है वो सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू देता है, और उसका एंगल होता है 105, 105 डिग्री का ये एंगल व्यू व्यू ऑफ एंगल देता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा 3.6 mm का लेंस, वो जो उसका जो एंगल होता है वो 85 डिग्री का हमें व्यू ऑफ एंगल देता है। उसके बाद 4 mm लेंस, जिसका व्यू ऑफ एंगल होता है 76 डिग्री, एंड आफ्टर दैट 6 mm लेंस जो हमें 52 डिग्री तक कवर करता है और 52 डिग्री तक का एंगल देता है। उसके बाद हमारा आता है 8 mm लेंस जो 40 डिग्री कवर करता है, एंड देन लास्ट 12 mm का लेंस जो हमें 29 डिग्री देता है।
तो ये हमें बेसिकली डिपेंड करता है हमारे साइट के ऊपर कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप सर्वे करते हैं तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि कौन से जगह के लिए आपको कितना वाइड एंगल चाहिए, कितना एरिया कैप्चर करना है, उसके हिसाब से हम लेंस का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि ये लेंस का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप सर्वे करने के लिए जाए तो ये इन सारे माइंड में, इन सारे लेंस को और ये जो कितना कौन सा लेंस कितना एंगल का व्यू देता है उसको माइंड में रखते हुए आप अपने सर्वे करें और उसको हिसाब से अपना जो भी सीसीटीवी डिज़ाइन करते हैं उसको आप डिज़ाइन करें। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो 2.8 mm लेंस होता है वाइड एंगल के लिए। जैसे हमें लिफ्ट वगैरह के अंदर यूज़ करना होता है, जहाँ पे भी हमें वाइड एंगल चाहिए होता है तो हम वहाँ पे 2.8 mm लेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉर्मली ज़्यादातर जो हमारा यूज़ होता है वो 3.6 mm लेंस यूज़ होता है। एनालॉग कैमरे के अंदर अगर हम आईपी कैमरे के अंदर बात करें तो वो 4 mm लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिकविजन के अंदर जो आता है आईपी में 3.6 mm लेंस नहीं आता है, 3.6 की जगह 4 mm लेंस आता है। अलग अलग कंपनी के वो अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, किसी के अंदर 3.6 आता है, किसी कंपनी के अंदर 4 mm का लेंस वो डिज़ाइन करती है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैमरे के पिक्सल्स और उसके रेजोल्यूशन के बारे में जानते हैं। सीसीटीवी में जो कैमरा का पिक्सल शुरुआत होता है वो 1 MP से शुरू होता है, जिसको हम 720p भी बोलते हैं और इसको HD कैमरा भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा 1.3 MP जिसको हम 960p बोलते हैं। उसके बाद हमारा 2 MP जिसको 1080p के नाम से जाना जाता है और इसको ये फुल HD कैमरा कहलाता है। एंड देन उसके बाद 3 MP का कैमरा आता है, फिर 4 MP, आफ्टर दैट 5 MP, देन 6 MP, 8 MP के भी कैमरे अवेलेबल हैं, एंड देन 12 MP। बट इतने सारे कैमरे यूज़ नहीं होते हैं प्रैक्टिकली। हमने जो प्रैक्टिकली अब तक देखा है वो ज़्यादातर हम 1 MP का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद 2 MP, एंड देन 4 MP। ये जो तीन पिक्सल्स हैं, ये रेजोल्यूशन हैं, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। 1 MP वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके ऑफिस वगैरह हो गए आपके घर के अंदर, तो वहाँ पे 1 MP कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया होता है वो काफ़ी छोटा होता है और जो लोग ज़्यादातर लोग आते हैं वो नोन पर्सन आते हैं, तो वहाँ पे उसकी क्लैरिटी अच्छी होती है और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है आप वहाँ पे कर पाते हैं। उसके बाद हम यूज़ जो करते हैं वो 2 MP का लेंस यूज़ कर सकते हैं, जिसका रेजोल्यूशन होता है 1920x1080। अगर हमें फेस रिकॉग्निशन के करना होता है या फिर नंबर प्लेट वगैरह रिकॉग्नाइज करना होता है तो हम 4 MP का कैमरा यूज़ करते हैं, जिसका रेजोल्यूशन होता है 2560x1440। बेसिकली ये रेजोल्यूशन क्या है, जब अगर अगर आप ये 1280x720 ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के हॉरिजेंटल और वर्टिकल को, तो ये लगभग 10 लाख पिक्सल्स आता है। तो इसलिए 10 लाख पिक्सल्स इसके लिए इसका नाम दिया गया 1 MP। वैसे अगर हम बात करते हैं 2 MP की, तो 1920 ये हॉरिजेंटल और x1080 वर्टिकली, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 लाख के करीब आता है। तो इसके लिए इस कैमरे का नाम 2 MP रखा गया इसके रिजोल्यूशन के बेस पे। चलिए अब हम जानते हैं कि बेसिकली लेंस का रोल हमारे सीसीटीवी कैमरे के अंदर लेंस का क्या रोल होता है। इस पिक्चर के जरिए आप देखिए, इस पिक्चर को देखिए, ये हमारा फिर से ये हॉरिजेंटल एक्सेस हो गया और ये हमारा सॉरी ये वर्टिकल एक्सेस हो गया और ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सेस। यहाँ इस कॉर्नर पे एक कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे ये देखिए ये डोर है, ये कैमरा जो हमारा है ये डोर की तरफ फोकस कर रहा है। जब हम 4 mm लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमें काफ़ी वाइड एंगल दे रहा है, बट लॉन्ग डिस्टेंस तक ये कवर नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए, हम 8 mm लेंस का इस्तेमाल किया गया है, ये थोड़ा 4 mm के बनिस्बत कम वाइड रेंज दे रहा है, बट ये थोड़ा और ज़्यादा दूर तक कैप्चर कर रहा है, बट हमें डोर को देखना है। तो उसके बाद हमने 8 mm के बाद 12 mm का अगर हम लेंस का यूज़ करते हैं तो ये हमारे डोर को कैप्चर करता है, बट इसका जो एंगल ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है, बट ये डोर को कैप्चर कर लेता है। तो इस तरीके से आप इसको माइंड में रखते हुए कि आपको क्या एरिया कैप्चर करना है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप लेंस का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। अगर आपको वाइड एंगल चाहिए तो आप जितना छोटा लेंस होगा वो उतना ज़्यादा वाइडर एंगल देगा, और जितना बड़ा लेंस होगा वो उसका जो एंगल ऑफ व्यू होएगा वो उतना कम होएगा। जितना ज़्यादा बड़ा एंगल होता है वो आगे की तरफ फोकस करता है, हमारा जो एक मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो हम बड़े लेंस की तरफ जाते हैं। जैसे भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 12 mm लेंस है, तो ये डायरेक्टली डोर की तरफ फोकस करता है और बाकी के जो जितने भी एरिया हैं उसको ये कट कर देता है, ब्लाइंड स्पॉट चला जाता है। चलिए लेंस को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने चार अलग अलग 6 mm लिया है, उसके बाद हमने 6 mm का लेंस का इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद 8 mm, फिर 12 mm का। देखिए होंगे, ये देखिए पीछे एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ब्लैक कलर की पट्टी है। जब हम 3.6 mm लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड पीछे दिख रहा है की पट्टी, ये काफी बहुत ही दूर दिख रही है और काफी छोटा दिख रहा है, बट इसका जो हमें एंगल मिल रहा है काफी वाइड मिल रहा है। उसके बाद के अंदर, तो जब हम सेम पोजीशन के ऊपर 6 mm लेंस का कैमरा लगाते हैं तो ये देखिए ब्लैक बोर्ड जो है पीछे का वो थोड़ा करीब आ जाता है, बट इसका जो व्यूविंग है एंगल वो हमें थोड़ा छोटा हो जाता है।
दिख रहा है। तो फिर हम सेम जगह पे 8 mm का लेंस यूज़ करते हैं। तो देखिए ये पिक्चर जो हमारा बैक ब्लैक बोर्ड है और करीब आ जाता है, बट हमारा जो एंगल है वो काफ़ी कम हो जाता है, फिर भी हमारा क्लियर तरीके से। फिर हम सेम जगह पे 12 mm के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा काफ़ी करीब ब्लैक बोर्ड आ जाता है, जो हमको इजीली यहाँ से दिखाई देता है। तो ये बेसिकली लेंस का कमाल होता है, ये लेंस का कॉन्सेप्ट है। तो आप इस तरीके से करके लेंस के बारे में जान सकते हैं और लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज़ कौन से एरिए को कवर करना है, आपका पर्पस क्या है वहाँ पे सीसीटीवी का। तो इस तरीके से करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रिजोल्यूशन के बारे में जानते हैं। ये देखिए हमारा पिक्चर, देखिए ये पहला पिक्चर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार पिक्चर हमने यहाँ पे लिया है। पहले पिक्चर के अंदर जो हमारा है 2 MP का कैमरा जो है लगा हुआ है और ये इस पिक्चर को कवर करता है। उसके बाद हमारा 4 MP का कैमरा है जो ये पिक्चर को देख है, उसके बाद 5 MP एंड देन उसके बाद 4K यानी 8 MP। आप देखेंगे 2 MP का जब हमारा कैमरे का जो व्यूइंग है उसकी क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है। फिर जैसे ही उसी जगह पे अगर हम 4 MP का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पिक्चर की क्लियरिटी जो है थोड़ा बढ़ जाती है। 5 MP का इस्तेमाल करते हैं तो क्लियरिटी और भी अच्छी हो जाती है। एंड फाइनली जब हम 4K यानी 8 MP कैमरे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी क्लियरिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है और वो इजीली हमारा क्या विजिबल होता है, हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उस चीज़ को पहचान कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया जिस कैमरे का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उसकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो ये बेसिकली हमारा जो रिजोल्यूशन होता है ये मेगापिक्सल्स का, ये कमाल होता है। देखिए इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि ये देखिए हमारा ये जो है यहाँ पे रिजोल्यूशन जो है मेगापिक्सल थोड़ा अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का मेगापिक्सल्स है। तो ये देखिए जो फेस का रिकॉग्निशन थोड़ा हो पा रहा है, फिर जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है, मेगापिक्सल्स कम करते जा रहे हैं, तो ये देखिए हमारा ये जो कैमरे की जो पिक्चर है, ये जो हमारा पिक्चर है वो ब्लर होता जा रहा है और हम इसको क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से राइट साइड से शुरू करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अगर सपोजेड 1 MP का यूज़ किया है तो हमारा फेस का रिकॉग्निशन बिल्कुल ब्लर आ रहा है, फेस का रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे धीरे धीरे लेंस बढ़ रहा है तो ये देखिए धीरे धीरे इसकी पिक्चर क्लियरिटी बढ़ती जा रही है और हम धीरे धीरे इसको क्या फेस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये बेसिकली लेंस का फंडा होता है। तो अगर आपको फेस रिकॉग्निशन करना है तो आपको 4 MP या फिर और अच्छे से करना है तो 6 MP 8 MP की तरफ आप जा सकते हैं, वो कैमरा आपको लेना पड़ेगा, तो ये आप फेस को अच्छे तक। चलिए आपको एक पिक्चर के जरिए हम दिखाते हैं कि ये देखिए हमने यहाँ पे जो लिया है D1 एनालॉग कैमरे का हमने एक इस्तेमाल किया है, उसके बाद हम 2 MP का इस्तेमाल किया है, फिर 3 MP, 4 MP एंड 8 MP। अभी देखिए एक सामने से हमारी ये एक कार आ रही है, तो देखिए ये हमारा ये D1 एनालॉग कैमरा का हमने यूज़ किया है और ये हमारी जब कार आई, जब हम इसको जूम करते हैं नंबर प्लेट को देखने के लिए, तो हमारा कार की भी जो फोटो है वो भी उतनी क्लियर नहीं है और नंबर प्लेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखिए जैसे करीब आया ये नंबर प्लेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अभी देखिए फिर सामने से कार आ रही है, सेम जगह पे हमने देखिए 2 MP का कैमरा लगाया और जब इसको जूम किया तो थोड़ा क्लियर है, बट फिर भी अभी भी हमारा जो ये नंबर प्लेट है वो अच्छे तरीके से नहीं दिख पा रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, सेम जगह पे हमने फिर 8 MP का इस्तेमाल किया। तो देखिए जब हमने 8 MP का इस्तेमाल किया तो हमारा ये नंबर प्लेट बहुत ही इजीली दिख पा गया, आप भी देख पा रहे होंगे नंबर प्लेट को आसानी से आप रीड कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली लेंस का कमाल होता है कि हमें जब नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करना होता है या फिर किसी चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए, फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, हमें मेगापिक्सल जो हमारा रिजोल्यूशन होता है वो अच्छे के लिए, अच्छा रिजोल्यूशन, मोर ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला कैमरा हमें लेना पड़ता है ज़्यादा मेगापिक्सल्स का, तो ही आप नंबर प्लेट को या किसी भी फेस को रिकॉग्नाइज कर। उसमें भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, 4 MP में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट क्लियर नहीं है।